Okay, Namaskar. Good evening, Namaskar. <laughs> <coughs> सॉरी नमस्कार आदव ससल मैं हूं कपिल का काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर दिस इज टेंथ एंड नाइन्थ जन जून 2021 विद मी कल हमारी क्लास नहीं हुई थी तो कुछ न्यूज uh, करेंगे कल की भी ओके okay. uh, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा आई डोंट वॉन्ट टू टेक मतलब रूटीन वाला दिन है संडे होता तो फिर भी बात थी ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा एक घंटा ही क्लास चलेगी अपनी रूटीन में और उतनी ही गर्ेंटरवेस कराऊंगा जितनी आप अपने दिमाग में समा सको ठीक है बाकी कुछ पेंडिंग वेंडिंग आपको पता है एक दो दिन में कवर करवा दूंगा सारा तो ये मैं समझना कि सर कोई पचास साठ स्लाइड्स होंगी आज की क्लास में नहीं होंगी ठीक है डोंट वरी नॉर्मल से ज्यादा होंगी बट अच्छे से कर लोगे आप ओके चलिए स्टार्ट करें सेशन को और uh, सेशन की शुरुआत हमेशा हम अपने आर की वेबसाइट से करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हम शुरुआत करते हैं उस पर देखते हैं क्या क्या अपडेशन आए हैं आर की वेबसाइट पे आपसे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से रिलेटेड उम्मीद करना मेरी आवाज़ आपको सही तरीके से सुनाई दे रही होगी और मैं अच्छे से आपको दिखाई दे रहा हूँ राइट चलिए ओके बढ़िया गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके गुड इवनिंग चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट द प्रियम्बल सबसे ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट प्रियम्बल दिया होता है प्रियम्बल क्या होता है सोचना क्या होता है ठीक है हमेशा आप एनसीआरटी की बुक पे हमेशा बचपन से आप प्रियम्बल पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रियम्बल दिया बचपन से पढ़ रहा है किसी ने ध्यान नहीं दिया इतना ज्यादा चलो पहली न्यूज पढ़ते हैं क्या है बहुत कुछ है हमारे लिए आज पढ़ने वाला तो ध्यान से पढ़िएगा लेगी ले और ये है सबसे पहली न्यूज यूमेर मशीन कैश मशीन्स, रिव्यू ऑफ इंटरचार्ज फीस एंड कस्टमर चार्जेस वेरी गुड न्यूज फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू बट वेरी बैड न्यूज फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ये न्यूज इतनी ज्यादा बुरी है कह सकते हैं क्योंकि जब आपका एक अकाउंट किसी एस बैंक में है आपके पास ए कार्ड एस बैंक का है अगर आप उस ए कार्ड को बैंक ऑफ इंडिया के ए मशीन में जाने लेकर जाते थे और एक फिक्स नंबर और ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आप उसमें से विड्रॉ करते थे या कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे फाइनेंशियल लेवल की नॉन फाइनेंशियल लेवल की करते थे तो आपके चार्जेस लगते थे लगते थे ना अब उन चार्जेस को बढ़ा दिया गया है ठीक है उन चार्जेस को बढ़ा दिया गया तो इसलिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी खबर खबर बैंक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी क्योंकि बढ़ा दिया गया तो को जो एक्स्ट्रा पड़ रही थी इतने सालों में वो बैंक की एक्स्ट्रा कोस्ट थोड़ी बहुत कम हो जाएगी बट ये चार्जेस ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा किए गए हैं बहुत ही माइन्यूट बहुत ही थोड़े से चार्जेस इंक्रीज किए गए हैं उन्हीं चार्जेस के ऊपर बात करते हैं आखिरकार क्या चेंज लाया गया है राइट ओके कौन कह रहा है प्रियम्बल का मतलब शॉर्ट बुक का इंट्रोडक्शन अरे यार तो प्रियम्बल ऑफ कंस्टिट्यूशन एक ही है एक ही होता है कंस, कंस्टिट्यूशन का प्रियम्बल एक ही बना आज तक हर एक बुक में लग नहीं दिया होता चलो पढ़ते हैं टू चेयरमैन किसके लिए एप्लीकेबल है पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट हमारे जानने के लिए कि ये जो भी चेंजेस लाए गए हैं जो चार्जेस रखे हैं किसके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें लिखा है द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे साथ पढ़िएगा ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा कि सर मैंने तो पढ़ लिया पूरा मुझे समझ आ गया अगली न्यूज पे चलता हूं नहीं ठीक है अभी नहीं अभी नहीं चलना सबसे पहले धीरे धीरे किसके लिए एप्लीकेबल है सभी के सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसमें आर भी शामिल है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल है एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर्स भी शामिल हैं, कार्ड पेमेंट नेटवर्क ऑपरेटर भी शामिल है एंड ऑल्सो दी वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स भी शामिल है यहां पर बैंक की नाम तो आ गए आपको समझ में लग गया ये बैंक है ठीक है डन बट यहां पर आपका ये जो है ऑथराइज एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर्स ये होते हैं कि जो एटीएम को ऑपरेट संभालते हैं आपके जो करती है ना तो उन्हीं है से रिलेटेड है वाइड लेवल एटीएम वाइड लेवल एटीएम आपने बहुत बार नाम सुना होगा कईयों तो ने पढ़ भी रखा होगा वाइट लेवल एटीएम ऐसी कंपनीज होती है जिनका कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है कुछ भी नहीं है उनका काम क्या है उनका काम है केवल और केवल एटीएम की सर्विस प्रोवाइड करवाती है उस और कुछ नहीं प्रोवाइड कराती है उनका काम केवल केवल और एटीएम की सर्विस उनका टाई अप होता है किसी बैंक के साथ तो वो वहां पर एटीएम टी सर्विस प्रोवाइड कराती है ऐसी एटीएम कंपनीज को हम या एटीएम टी मशीन को हम वाइट लेवल ए कहते हैं ठीक है जिनपे किसी भी तरह का लेबल नहीं है बिल्कुल ब्लैंक है व्हाइट लेवल वेबसाइट होती है ना जो इंजीनियर बंधु है जो वेब डिजाइनिंग वगैरह करते हैं उनको पता होगा एप डिजाइनिंग करते हैं ना व्हाइट लेवल एप होती है किया क्या गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 2019 में एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरपर्सन थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन बैंक एसोसिएशन के उन्होंने ये कमेटी बनाई थी कि एटीएम टी मशीन के जो चार्जेस एटीएम मशीन नहीं ATM के जो चार्जेस हैं वो काफी सालों से बढ़ाए नहीं गए हैं मैंने अब यह बात की आपको कि कौन से चार्जेस की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका अकाउंट में है आपके है आपके पास आप बैंक ऑफ इंडिया के ATM में जाते हो और वहां एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो कुछ आपके कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जाते हैं आपके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं तो ये वही चार्जेस को रिवाइज किया गया इसी चार्जेस को रिवाइज करने के लिए जून दो में एक कमेटी का गठन किया

वो कमेटी किसके हेड में बनाई गई थी वो कमेटी यहां पर बनाई गई थी विजय कनन जो कि उस वक्त यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव थे इंडियन बैंक एसोसिएशन के उनको यहां पर चेयरपर्सन बनाया गया था यहां पर आईबीए का उसके अलावा यहां पर दिलीप असबे थे गिरी कुमार नायर थे एस संपत कुमार थे के श्रीनिवास्तव और संजीव पटेल उसके अदर मेंबर से चेयरपर्सन थे और अदर मेंबर्स थे अब ये जो सर्कुलर था ये 11 जून 2019 का है बट यहां पर ये हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता ता है क्योंकि इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो आज न्यूज आई है वो यहां पर बनी है इसी के यहां पर रिकमेंडेशन पे आजकल यहां पर ये जो चेंजेस लाए गए इसी कमेटी के रिकमेंडेशन बने हैं इसलिए ये कमेटी के बारे में भी आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है खासकर विजे कन जी का नाम भी इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है ठीक है तो ये नाम याद रख लेगा इस कमेटी को क्या कहा गया था इस कमेटी को यह कहा गया था कि आप रिव्यू कीजिए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो भी कॉस्टिंग आती है जो भी चार्जेस होते हैं इंटरचेंज फीस फॉर एटीएम ट्रांजेक्शन इंटरचेंज फीस जो है ये वर्ड यहां पर अभी उस सर्कुलर में भी है जो भी किया गया और इसमें भी है इंटरचेंज फीस क्या होती है जो मैंने अभी आपको बताई जो मैंने अभी आपको बात की ना कि एक बैंक की कॉस्टिंग आती है ऑब्वियस जो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं वो तो एटीएम के चार्जेस वगैरह वगैरह उन्होंने ले लिया इंटरचेंज फीस का मतलब है कि मैं एसबीआई मेरे कस्टमर को मैं यहां पर एटीएम दे रहा हूं जो कि वो किसी भी बैंक के एटीएम पे यूज कर सकता है तो मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं मैं एस बी सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं एक सुविधा दे रहा हूं अपने कस्टमर को तो उस सुविधा के लिए मुझे किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी पड़ेगी मुझे उसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे मैं बैंक ऑफ इंडिया को चार्जेस पे करूंगा तभी तो वो कस्टमर उस बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पे उसको यूज कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा पाएगा नहीं नहीं तो तो ऐसे जो जो चार्जेस या कोई भी एक बैंक दूसरे बैंक को देता है ताकि वो उसके कस्टमर को ऐसी सर्विसेज मिल सके जो उसके एटीएम पे जाकर वो विड्रॉ करा सके अमाउंट तो ऐसी अमाउंट को जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है इस तरह के सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए उसके कस्टमर को उसको हम इंटरचार्ज इंटरचेंज फीस कहते हैं इंटरचेंज फीस कहते हैं फॉर दी एटीएम ट्रांजैक्शन इसी इंटरचेंज फीस को यहां पर रिवाइज किया गया है जो कि हाल ही में यहां पर सर्कुलर आया है यह सर्कुलर जो जारी किया गया है और इसमें यहां पर रिकमेंडेशन भाई जो ये रिकमेंडेशन दी गई इनका कहना है कि सन दो में इससे पहले जो इंटरचेंज फीस स्ट्रक्चर है वो यहां पर चेंज किया गया था अगस्त 2012 में और उसके बाद अगस्त 2014 में जो कस्टमर के द्वारा चार्जेस पे किए जाने हैं उसको यहां पर रिवाइज किया गया था 2014 के बाद यहां पर कस्टमर जो भी चार्जेस देता था उसको रिवाइज ही नहीं किया गया था इतने साल हो गए कभी उस चीज को चेंज ही नहीं किया गया अब जाकर यहां पर चेंज किया गया है अब यहां पर चेंज क्या किया गया है चेंज सुनोगे तो हंसोगे आप चेंज किया गया है अलाउ इंक्रीज इन द इंटरचेंज फीस फॉर ट्रांजैक्शन फ्रॉम 15 टू 17 रुपेस फॉर फाइनेंशियल एंड रुपेस 5 टू 6 फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड दिस शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2021 इंटरचेंज फीस जो है ये बैंक की इंटरचेंज है मतलब बैंक टू बैंक जो आपको फीस देनी है ये वो है कंफ्यूज मत होना एक है इंटरचेंज फीस और एक है कस्टमर को जो कॉस्ट पड़ती है कस्टमर को जो चार्जेस पड़ते हैं कस्टमर के चार्जेस अलग डेफिनेशन इंटरचेंज फीस इज अलग डेफिनेशन ठीक है तो दोनों सेपरेट है कंफ्यूज मत होना पहले बता रहा हूं सो यहां पर इंटरचेंज जो फीस है वो यहां पर पहले पंद्रह चार्ज करता था एक बैंक बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर चार्ज कितना किया एस बी आई से पंद्रह वो अब सत्रह रुपए कर दी गई है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पैसा निकालने की ट्रांजेक्शन ठीक है और यहां पर जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या करते हो आप लोग एटीएम यूज करते हो आपको पता है जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है यानी कि आप बैलेंस इंक्वायरी करते हो आजकल रिचार्ज भी होता है बहुत सारी चीजें जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कवर होती हैं ठीक है तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में पहले पांच रुपए चार्ज करता अब उसी को छह रुपए चार्ज करेगा वो पंद्रह से सत्रह किया गया पांच से छह किया गया कब से इफेक्टिव आएगा एक अगस्त 2021 से ये अफेक्ट में आपका आ जाएगा ये तो इंटरचेंज फीस है अब कस्टमर को क्या मिलेगा कस्टमर का कितना यहां पर बोझ बढ़ेगा उसको देखते हैं कस्टमर्स आर एलिजिबल फॉर फाइव फ्री ट्रांजेक्शन पहले कस्टमर जो है वो पांच ट्रांजेक्शन कर सकता था एवरी मंथ फ्रॉम देयर ओन बैंक ए अपने बैंक के एटीएम से पांच फ्री ट्रांजेक्शन कर सकता था जिसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शामिल हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फ्री ट्रांजेक्शन इंक्लूसिव ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉम अदर बैंक एटीएम किसी और बैंक के एटीएम में जाए तब भी उसको यहां पर एलिजिबल था फ्री ट्रांजैक्शन के लिए उसके कोई चार्ज नहीं लगते थे अगर मैं मेट्रो सेंटर की बात करूं ओके मेट्रो सेंटर में यहां पर यह आपका एलिजिबल था एंड फाइव ट्रांजैक्शन इन नॉन मेट्रो सेंटर तीन ट्रांजैक्शन आपका मेट्रो सेंटर में फॉर फ्री था और पांच ट्रांजेक्शन के लिए नॉन मेट्रो सेंटर में वो आपका उसको फ्री मिलते था मेट्रो में तीन और नॉन मेट्रो में पांच क्यों क्योंकि मेट्रो सेंटर बहुत बड़े होते हैं तो ये माना जाता है कि आपके ए जो है वो आपको इजिली अवेलेबल हो जाते हैं आपके बैंक के तो दूर में नहीं होते दूरी में नहीं होते तो इसलिए उसके लिए तीन रखा गया था नॉन मेट्रो के लिए पांच रखा गया था ठीक है ओके बियॉन्ड द फ्री ट्रांजेक्शन जो आपने तीन या पांच फ्री ट्रांजेक्शन कर ली द स सीलिंग कैप ऑन कस्टमर चार्जेस इज बीस रुपए पर ट्रांजेक्शन सीलिंग कैप सीलिंग क्या होता है सीलिंग होती है आपकी छत कैप आप क्या होता है जो सिर पे आप पहनते हो यानी कि लिमिट मतलब एक सीलिंग है मैं कितना ऊंचा जा सकता हूं इस कमरे में मैं इस छत तक जा सकता हूं मेरे सिर पर जो ऊंचाई है वो सबसे ऊपर क्या चीज है मेरे टोपी पहन रखी है दैट इज अ कैप यानी कि इट इज मैक्सिमम लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट कैप का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट कि मेरे सर पर क्या है, मेरे जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट इज कैप पहनता हूं, सकता हूं इस कमरे में, तो मैक्सिमम जो लिमिट है मैक्सिमम जो चार्जेस है वो बीस रुपए पर ट्रांजेक्शन आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो इससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते थे ये अगस्त दो का सर्कुलर था अब यहां पर इस चीज को जो बीस रुपए है उसको यहां पर इंक्रीज

ओके okay, सो so ये है आपका दिस इंक्रीज शेल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2022 से अप्लीकेबल होगा यहां पर आपका और ये अब आपको ये आज ही न्यूज आई है ठीक है अच्छा एक और चीज ये जो न्यूज है आज की पीडीएफ में भी नहीं मिलेगी और ना ही आज के क्रॉसवर्ड में मिलेगी क्योंकि ये न्यूज अभी मैंने देखी मैं पहले नहीं देख पा इस न्यूज को तो मैंने वो पीडीएफ में इंक्लूड भी नहीं किया और ना ही वो क्रॉसवर्ड में शामिल हुई ये न्यूज मैं कल की पीडीएफ में जो पीपीटी पीडीएफ दूंगा आपको और क्रॉसवर्ड जो दूंगा वो कल की न्यूज में ये सारी चीजें शामिल हो जाएंगी तो शोर मत मचाना आज की पीडीएफ में पहले बता रहा हूं ये वाली न्यूज नहीं मिलेगी ठीक है तो यहां पर आपका इक्कीस रुपए पर ट्रांजेक्शन ये हुआ हाँ ये चीज है कि कल अब आपको न्यूज पेपर में देखना हेडलाइन या फिर आपको टीवी न्यूज चैनल पर अब आपको हेडलाइन मिलेगी कि एटीएम से पैसे निकालना हुआ महंगा निचोड़ दिया कस्टमर को जानते हैं कि कितने पैसे अब आपको चुकाने पड़ेंगे एक एटीएम से पैसा निकालने के लिए जी हां बने रहिएगा हमारे साथ तुरंत मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और आपको बताएंगे कि आप को कितना बोझ आप पर बढ़ेगा अगर आपका एटीएम दूसरे किसी बैंक के एटीएम से आप पैसे निकालते हैं जी हां दोस्तों बहुत ही अहम खबर है यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बस जुड़े रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर जरूर आइएगा और जब आप पांच मिनट बाद आओगे तो देखोगे क्या हुआ भाई और बहनों कहने के लिए तो बहुत कुछ था बट यहां पर हमने आरबीआई के डिसीजन को देखा और आरबीआई के डिसीजन को हमने देखते हुए एक निष्कर्ष निकाला कि यह डिसीजन जो लिया गया ये बहुत ही बुरा था अच्छा नहीं था कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और 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 यहां पर ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस है, हैं, वो बीस रुपए से बढ़ाकर इक्कीस रुपए कर दिए हैं जी हां इक्कीस रुपए, एक रुपए का बोझ यहां पर पड़ा है आप सबको आप सबकी जेब जो है एक रुपए से आपका बोझ बढ़ चुका है तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही अहम खबर चलिए चलते हैं अगली खबर पे दिस इंस्ट्रक्शन शेल ऑल्सो अप्लाई क्या लिख दिया मुटाटिस मुंटांडिस भाई सब कौन सी लैंग्वेज लिख दी <laughs> ये तो मैंने भी पहली बार पढ़ी है लो जी आज का शब्द जो आपके इंग्लिश क्लास के टीचर के लिए है जरूर पूछना उनसे जाकर कि मैडम और सर प्लीज टेल अस द मीनिंग ऑफ द मुटाटिस मुंटेंडिस ठीक है कपिल सर ने बोला है कि बता दी इसका मतलब आरबी के सर्कुलर में आया था पूछना प्लीज मेरी तरफ से, से पूछना और मुझे कल बताना क्लास में कि इसका मतलब क्या है गूगल नहीं करना टीचर से पूछना ठीक है गूगल नहीं करना टीचर से पूछना कपिल सर ने बोला था मैडम ये आज आरबीआई के सर्कुलर में आया था पता नहीं क्या लिखा था ये वर्ड बता दो प्लीज है ना टू तो ट्रांजेक्शन डन एट कैश रिसाइकलर मशीन कैश रीसाइक्लर मशीन होती है ऐसी मशीन जो आपकी डिपोजिट भी लेती हैं और आपका एटीएम की तरह भी काम करती है उनको हम बी एन ए भी कहते हैं बंच नोट एक्सेप्टर भी कहते हैं बी एन ए के फुलफॉर्म है बंच नोट एक्सेप्टर ये एग्जाम में आ सकता है बी एन ए बंच

एटीएम मशीन में आप जब जॉब लग जाओगे तो एटीएम मशीन में पैसे डालने की ड्यूटी भी होगी आपकी आप एटीएम मशीन में पैसे भी डालने जाओगे बट कुछ मशीन ऐसी होती हैं जो एटीएम के साथ जो आपके डिपॉजिट यानी कोई कस्टमर उसमें डिपॉजिट करा गया तो कोई कस्टमर उसमें निकलवा रहा है तो वो रिसाइकिल हो रही है पैसा बार बार घूम रहा है वही पैसा राइट ओके चलो ये हो गया तो उसको कैश रिसाइकुलर मशीन उसको बी एन ए कहते हैं ये सेक्शन टेन टू रेड विद सेक्शन एटीन और पेमेंट सेटलमेंट एक्ट टू थाउजेंड सेवन के तहत लिखा गया है ओके okay, सो so ये सेक्शन याद रख लेना यह भी एग्जाम पॉइंटों से इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी बहुत कुछ आपने इस न्यूज से सीखा होगा बहुत कुछ समझा होगा आज बहुत ही डिटेल में मैंने इसको समझाया और इसके लिए मैंने पंद्रह मिनट आपके ले लिए ठीक है नॉट एन इश्यू जो भी चीज आए समझ में अच्छे से आनी चाहिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज छप जाए और उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में ये चीज छप गई ओके okay, छप गई ना महेश कुमार जैन रीअेड एज दी आरबीआई डिप्टी गवर्नर कहां रे भाग रहा है बबुआ ओके okay, सो so श्री महेश कुमार जैन री अपॉइंटेड एज दी आरबीआई डिप्टी गवर्नर आरबीआई डिप्टी गवर्नर पहले भी थे हम पहले भी यही थे कल भी यही थे आज भी यही हैं और कल भी यही मिलेंगे आपको ठीक है तो महेश कुमार जैन जी यही डायलॉग अपनाते हुए कि हम कल भी डिप्टी गवर्नर थे आज भी डिप्टी गवर्नर है और कल आने वाले दो सालों के लिए हम ही डिप्टी गवर्नर रहेंगे जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो और यहां पर उनको एक बार फिर से रीअपॉइंट किया गया आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पर ठीक है यह चीज आपकी की गई है क्योंकि उनका पहले का जो कार्यकाल था वो यहां पर कंप्लीट होने वाला था इक्कीस जून को और यह कार्यकाल अब आपका एक्सटेंड कर दिया गया ठीक है अच्छा एक न्यूज पिछले वाले में रह गई बताने वाली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या था डेट्स ये देख लो यहां पर ना कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम exam में एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ से ये वाली जो डेट है ना जो बैंक्स के लिए इंटरचार्ज फीस है ना इंटरचेंज फीस है मैं बार बार इंटरचार्ज बोल रहा हूं इंटरचेंज फीस जो है वो एक अगस्त था उसकी डेट और जो कस्टमर के अप्लाई करने की डेट है वो एक जनवरी दो ठीक है ओके गॉट इट सो दिस इज एक जनवरी 2022 और एक अगस्त होना।, होना बिल्कुल भी महेश कुमार जैन हो गया नीचे वाली तो पुरानी खबरें होंगी हमने पढ़ ली नहीं और सीधा चलते हैं यार नोटिफिकेशन पे और क्या है नोटिफिकेशन पे ये हो गया ये हमने कर लिया था ये वाला करना है ये क्या है प्लीज़ रेफर टू सर्कुलर दिस 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 बैंक फॉर एडवाइज टू प्रिजर्व सी टी वी रिकॉर्डिंग ऑपरेशन एट बैंक करेंसी फॉर अ पीरियड ऑफ नवंबर आठ दो हज़ार सोलह टू नवंबर तीस दो हज़ार सोलह नवंबर आठ दो हज़ार सोलह नवंबर तीस दो हज़ार सोलह अच्छा हाँ अच्छा 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 ओके ये न्यूज़ मैंने पढ़ी नहीं पहले मतलब कि ये अभी दिखा मुझे अच्छा नवंबर आठ दो हजार सोलह याद होगा आपको ये दिन दिन जिस दिन एक दिन पहले सात नवंबर को हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए थे रात को आठ बजे और उन्होंने देश को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था आज रात को बारह बजे के बाद पांच सौ और हजार के नोट बंद हो जाएंगे और लोगों लोग जो थे वो इस तरह से दौड़े थे इस तरह से दौड़े थे कि ऐसा लग रहा था कि नासा ने जो रोकेट है वो उनके पीछे बांध दिया है ठीक है ऐसे लोग दौड़े थे मार्केट की तरफ गोल्ड खरीदने और पता नहीं कहां कहां दौड़े थे यही चल रहा था तो ये एक कुछ यही भी आए थे कि धांधलेबाजी चल रही है बैंक की जो करेंसी जैसे मिलकर कुछ ना कुछ कर रही है तो आरबीआई को कल को कंप्लेट ना हो जाए तो उस चीज के लिए सीसीटीवी फुटेज आपको संभाल के रखनी पड़ेगी सारी की सारी उस टाइम की ताकि कल को कोई फ्यूचर कंप्लेंट हो तो तो उसको देखा न्यूज़ न्यूज़ नहीं है ऐसे जस्ट चलो चीज़ टाइम पास छोड़ो इस न्यूज को ये हमने कर लिया प्रेस रिलीज में आते हैं प्रेस रिलीज़ में काफी चीजें करने वाली धनघ्रा पीपल्स बैंक धनघध्रा शायद मैंने नाम सही लिया जगह का नाम है जो कि सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है यहां पर उन पर पेनल्टी लगाएगी गई दो लाख रुपए की पेनल्टी लगाएगी इस पर्टिकुलर बैंक पे और ये आपका उन्होंने कुछ डिपोजिट से रिलेटेड कुछ किया था गलत काम और डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड जो कि डेफ स्कीम है इसके बारे में बता चुका हूं उससे रिलेटेड यहां पर इन्होंने कुछ ना कुछ गलत काम किया था या कंप्लायंस नहीं किया जो आरबीआई के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है तो ये चीज आपकी उनके द्वारा की गई है इंपोज किया गया यहां पर उस पर पेनल्टी ठीक है ओके कहा चला गया अरे मेरे भाई ओके ये की पेनल्टी उसके अलावा क्या है उसके अलावा है यहां पर दूसरा एक बैंक है क्या नाम दे रखा बैंक का ये बैंक है सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीकर राजस्थान में है इसको भी यहां पर इसके 9 नवंबर 2018 को इसको 6 महीने के लिए रिव्यू में रखा था और इसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है तीन महीने के लिए 9 जून 2021 तक यहां पर इसका एंड होना था और अब इसको 9 सितंबर 2021 तक कर दिया और जस्ट बैंक का नाम याद रख लो और जगह है बस सीकर वैसे सीकर के नाम से ही है सीकर कहां पर है राजस्थान में कुछ खास नहीं है इसमें ठीक है आ, एक थिंग आई थिंक एक और न्यूज़ ऐसी थी इसमें सेक्शन वैक्शन याद रख लेना ये ऐसी न्यूज़ मैंने पहले एक्सप्लेन की हुई है ऑलरेडी इसमें भी वही चीज़ की गई अदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड कहाँ पर है अदूर केरला में है अदूर या अदोर जो भी होगा सेक्शन थर्टी फाइव ए के तहत इसको यहाँ पर डायरेक्शन जारी की गई हैं ये भी बैंक डूब जाते हैं तो बैंक वो कहते हैं ना कि हाँ इतने ही पैसे डिपोजिटर्स को दे पाओगे या अपना बिजनेस नहीं चला पाओगे तो वही चीजें आगे आगे उनके लिए एक्सटेंड कर देते हैं आप इतने टाइम के लिए चला लो ये कर लो वो कर लो तो उन डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड किया गया है ठीक है ये महेश कुमार जैन जी का हमने पढ़ लिया उसके अलावा कुछ है नहीं ठीक है तो आज की हमारी आरबी की वेबसाइट यहीं पर हुई समाप्त उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और चलते हैं आगे अच्छा एक और ज़रूरी सूचना आज रात को दस बजे क्लास नहीं होगी ठीक है आज रात को दस बजे मैं क्लास नहीं लूंगा तो इतमान से पढ़ो एंड uh, लगे रहो बस ठीक है इतमान से पढ़ो बिना टेंशन के पढ़ना आज कल ही मैं लूँगा करंट अफेयर्स की जो एम सी यूज की ओके कंटिन्यू okay, करते हैं इसको अब हम यार प्री, पे आते हैं उम्मीद करता हूँ सेशन आज का पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा मतलब आर बी ए वाला फंडा आज कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको ए टी एम से रिलेटेड ठीक है मैंने भी ए टी एम से रिलेटेड न्यूज़ अभी पढ़ी जस्ट अभी आया था रूम में तो मैंने कहा चलो आर बी आई की वेबसाइट विजिट कर लेते तो देखा तो ए टी एम की न्यूज़ आई हुई थी चलो मेरी न्यूज़ भी अपडेट होती रहती है इससे आप लोगों की है ना मैं भी फिर कल जाकर ब्रांच में अभी तो बैंक का सर्कुलर आया नहीं होगा मैं भी जाकर ब्रांच में अरे यार कल आर बी आई का सर्कुलर आया तुम्हें पता है है मेरी भी थोड़ी वो बन जाती है ना वैल्यू बन जाती है अच्छा यार कमाल है यार बंदा ना मतलब बैंक का सर्कुलर आने से पहले ही आरबीआई का सर्कुलर बता देता है क्योंकि तो ऐसे ही होता है ये जो आर के सर्कुलर आते हैं ना ये लेटर ऑन जैसे उन्होंने इशू किया कमर्शियल बैंक्स को सभी को जारी तो कमर्शियल बैंक अपने ब्रांचेस को जारी करेगा ना सर्कुलर है ना कि ऐसा ऐसा किया गया है तो कस्टमर को आप अवेयर कीजिए ये ये चीजें चार्जेस उसके लगेंगे तो हमें ये न्यूज़ बिफोर न्यूज़ है समझ लो फ्यूचर में आप जब इन सर्कुलर को बढ़ोगे तो आरबीआई सर्कुलर तो दिन दिन पहले आ चुका जब रीस्ट्रक्चरिंग का सर्कुलर हमने कितने टाइम पहले पढ़ लिया था याद होगा आपको रीस्ट्रक्चरिंग का जीईसीएल का सर्कुलर बहुत टाइम पहले पढ़ लिया था मेरे बैंक में तो दस दिन बाद पंद्रह दिन बाद वो सर्कुलर आया था तो मुझे तो पहले ही पता था उस चीज के बारे में ओके okay. सो so, यहाँ पर एट द रेट केक आटपल मेरा टेलीग्राम चैनल सभी के सभी ज्वाइन कर लेना जो भी लोग नए जुड़े हैं इस चैनल से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट थिंग जो करनी है एट द रेट केक आटपल आप ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल और ये मेरा अन के प्रोफाइल का लिंक है इस लिंक पर जाकर आप मैं जो अन अकेडमी में फॉलो कर सकते हो ताकि मेरी सारी क्लासेस के बारे में आपको पता चलता रहे और उम्मीद करता हूँ मेरी कल की क्लास सुबह थी एक आर ग्रेड बी की ग्रेड के ऊपर पहली क्लास थी और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो क्लास अटेंड की होगी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में यहाँ चैट में तो चाहे बताओ ना बताओ अलग बात है चैट में बता दीजिए बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे रिव्यूज आपकी तरफ से चाहिए कि आपको वो पहली क्लास कैसी लगी थी आरबी ग्रेड बी की जो मैंने ली थी और उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस लगा क्या आपको नया लगा और कल भी सुबह साढ़े छह बजे क्लास है अल्टरनेट डे पर है तो ध्यान रखिएगा आइएगा जरूर ठीक है ये नया बैच जो मैं इसकी बात कर रहा हूं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अगर आप स्टिल अगर आप लेना चाहते हैं इसको ज्वाइन करना चाहते हैं आरबी ग्रेड बी और बैंक एग्जाम की सब्सक्रिप्शन को या आरबी ग्रेड बी को अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं आप मुझसे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है आप इस कोड को यूज कर सकते हैं फॉर अवेलिंग योर टेन परसेंट डिस्काउंट जो मिलता है आपको एक्स्ट्रा जो भी प्राइस होता है अगर आप कोमो पैकेज लेते हैं आरबीआई और बैंक का तो आपको इस प्राइस पे वो चीज मिल जाएगी ये प्राइस है आपका अगर अकेला बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है अकेला आरबीआई ग्रेड भी फेज टू लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है कोमो प्राइस आपको इतना पड़ेगा और बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो आज ध्यान रखिए उसकी लास्ट डेट है दस जून तक ये ऑफर अवेलेबल है इतने प्राइस पर आफ्टर रिप्लाइंग दैट कोड जो मैंने बताया और आपको दो एडिशनल मंथ्स आपको फ्री मिल रहे हैं इस प्राइस पर लेना चाहो तो आज ले लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे आपको मिल जाएंगे ठीक है कल कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे है ना जो टॉपिक कल मैंने पढ़ाया था फ्रॉड वाला वो तो थोड़ा सा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे कल लेकर नया टॉपिक पढ़ेंगे हो सकता है कोई कोई छोटे छोटे दो टॉपिक टॉपिक आ जाए हो सकता है है एक बड़ा उठा है ना कल की क्लास में देखते हैं क्या करते हैं बट अकॉर्डिंग टू मी आप सेटिस्फाई हो मेरी क्लास से और मजा आया होगा आपको लगा होगा कि कुछ हमने नया सीखा और कुछ मजेदार सीखा है राइट चलो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉटेड प्रेफरेंशियल शेयर सो यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने यहां पर अलॉट किए टू एट्टी फाइव थ्री सेवन सिक्स नाइन सेवन टू यानी कि टू एट्टी करोड़ रुपीज हुए ना टू एट्टी करोड़ रुपीज टू एट्टी करोड़ इक्विटी शेयर है रुपीज नहीं है 280 एट्टी इक्विटी शेयर एट द दू प्राइस पॉइंट ग्यारह पर शेयर सत्रह रुपए ग्यारह पैसे में एक शेयर यहां पर गवर्नमेंट को दिया गया है प्रिफ्रेंशियल बेसिस पर एंड दिस इज दी एट हंड्रेड करोड़ की कैपिटल इंफ्यूजन बैंक में की गई 4800. So, यहां पर क्या है शेयर इक्विटी शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर होते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर होते हैं यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा सिंपल सी बात मैं प्रेफरेंशियल शेयर के बारे में बता देता हूँ प्रेफरेंशियल शेयर एक ऐसे शेयर होते हैं जिसमें जो आपको राइट्स होते हैं राइट्स इन द सेंस की कंपनी अगर बंद हो जाती है कंपनी अगर खत्म हो जाती है तो यहां पर इन शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है इनको यहां पर पैसा पहले मिलता है इनको डिविडेंड पहले मिलता है यहां पर आपका इन कंपेरिजन टू दी इक्विटी शेयर तो ये सारे के सारे थोड़ा सा इनको प्रेफरेंस मिलती है तभी तो इसका नाम प्रेफरेंस है इनको प्रेफरेंस मिलती है इन कंपैरिजन टू द इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर जो नॉर्मल आप जैसे लोग मेरे जैसे लोग आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते ना तो आपको इक्विटी शेयर मिलते हैं जो बड़ी कंपनीज या बड़ा कुछ है या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने उस कंपनी को कहा कि आप मेरे शेयर खरीदे वो कह मुझे क्या फायदा होगा मैं आपको प्रेफरेंस शेयर दूंगा यानी कि मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कल को वाइंड अप होती है तो पहला पैसा आपको मिलेगा बाद में जो पैसा बचा होगा वो बाकी इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा ठीक है बट आपके हमारी कंपनी में कोई वोटिंग राइट नहीं रहेंगे ये उसमें एक और कंडीशन होती है कि आप हमारी कंपनी में वोट नहीं कर सकते किसी भी डिसन के लिए बट इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो वोट कर सकता है ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इस तरह की बहुत सारी चीजें दोनों के बीच में और डिफरेंस होती है तो यहां पर आपका आ, चीज हुई प्रेफरेंशियल बेसिस यानी प्रेफरेंस शेयर गवर्नमेंट को दिए गए और उसके बदले में गवर्नमेंट ने फोर्टी एट हंड्रेड करोड़ रुपीस दिया और वो इन्वेस्ट किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और इसी के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो एट्टी नाइन से बढ़कर 93.08 थ्री हो गई इन्वेस्टमेंट की अमाउंट फोर्टी वैल्यू पर शेयर नंबर ऑफ शेयर तीनों दे रखे हैं यहां पर आपके और दिस इज दर्सेंटेज जो अभी इसका शेयर हो गया है सीबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड एमडी एंड एन वेंकटा ओ राव जी है राइट चलिए नेक्स्ट चलते हैं अनूप चंद्रा पांडे जी इन्होंने नए इलेक्शन कमिश्नर की ओथ ली ओके ओथ ली मतलब सॉरी इन्होंने आपकी उस चार्ज को संभाला ये है आपके ये वाले हैं साइड वाले हैं और ये आपके नीचे साइन करते हुए ठीक है मुझे एक चीज समझ नहीं आई इसमें कोट का कलर अलग है इसमें ब्लेजर का कलर अलग नहीं है या मुझे ऐसा दिख रहा है है ना इसमें अलग है इसमें अलग है बाजू लंबी है इनके है ना हाथ से और ये दो पर्सन जानते हो इनको कौन है नहीं जानते बता देते हैं ये है आपके सुशील चंद्रा जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उधर वाले हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ठीक है सो so, यानी कि अब इलेक्शन कमीशन में तीन पर्सन हो चुके हैं एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके दायां बायां लेफ्ट राइट हैंड होते हैं और वो दोनों में आपके अब एक राजीव कुमार जी पहले थे अब दूसरे आ चुके हैं अनूप चंद्र पांडे जी अनूप चंद्र पांडे जी नए इलेक्शन कमिश्नर आ चुके हैं पांडे जी ने इलेक्शन कमीशन को ज्वाइन किया एंड तीन मेंबर होते हैं इस सिलेक्शन कमीशन की बॉडी में इससे पहले वो काम कर रहे थे कहां पर एज दी मेंबर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कमेटी उत्तर प्रदेश में एंड इवन इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है गवर्नेंस इन गवर्नेंस गवर्नेंस इन एंशियंट इंडिया गवर्नेंस इन एंशियंट इंडिया इनके द्वारा हाल ही में एक बुक भी लिखी गई है ओके okay. चलो आगे चलते हैं अलग है ना hmm. अलग है ये पता नहीं अलग क्यों है मतलब समझ नहीं आई ताई ताई भी अलग सी लग रही है या मुझे लगता है ये ज, पिक्चर ना थोड़ी उसको ना वो किया गया कुछ एडिटिंग एडिटिंग की वजह से हो गई पिक्चर ऐसे भाई वो ज़्यादा वो आहा, ये जैकी श्रॉफ के फैन लग रहे हैं मेरे को है ना या गर्मी ज्यादा है कॉलर बटन वटन ऊपर वाला खुला है है ना या फिर अंकुश के फैन होंगे अंकुश भी रखता है ना ऐसे बटन खोल के ठीक है यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड इन्होंने भी रीजनिंग पढ़ी है लगता है यार अंकुश है ना सो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर अलॉटमेंट ऑफ 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड ओके सो so, यहाँ पर आपका यूनिक कैबिनेट बाय दी चलिए यार पानी पीता हूँ यार फिर कंटिन्यू करता हूँ अब बोरिंग सी न्यूज है यार मुझे भी ना इंटरेस्ट आता है आर बी की न्यूज़ पढ़ाने में उसके बाद न बोरिंग सी लगती है मतलब <laughs> वो एग्जिपटी ने इसके साथ एम किया इसने उसके साथ वहाँ गया यहाँ गया रेलवे आ गया यही चलता रहता है ना काश अके लिए बैंकिंग की न्यूज़ आए ना बैंक में अपने एग्जाम में सिर्फ मज़ा ही आ जाएगा सिर्फ बैंकिंग की न्यूज़ आनी चाहिए और आनी नहीं चाहिए ठीक चलो आगे चलते हैं यूनियन कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की कि नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया यहां पर एलोटमेंट ऑफ 5 मेगा हर्ट स्पेक्ट्रम इन हंड्रेड मेगावर्ट्स फ्रिक्वेंसी बैंड टू तो इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे को भाई साहब दे दिया है अब स्पेक्ट्रम दे दिया है तो स्पेक्ट्रम से क्या होगा अब इंडियन रेलवे में आप जाएंगे सफर करेंगे तो साथ साथ आप यहां पर मेरी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि उसमें यहां पर अब अवेलेबल होगा आपका 4G कनेक्शन ठीक है फोर जी कनेक्शन एल्टी एल्टी लॉन्ग टर्म वायल्यूशन ठीक है सो बेस्ड मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन ऑन इट्स रूट एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इज पच्चीस हजार करोड़ द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट फाइव इन इन एडिशन टू दिस इंडियन रेलवे अप्रूव्ड ट्रेन अवॉइडेंस सिस्टम इसके अलावा यहाँ पर ट्रेन अवॉइडेंस सिस्टम भी यहां पर बनाया गया जो कि इंडिया में बना हुआ एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है कि अपने आप ट्रेन रुक जाएगी अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट का एक्सीडेंट का खतरा ट्रेन को लगता है ऐसा कुछ उसके अंदर ट्रेन में लगाया जाएगा यह सिस्टम दैट इज द ट्रेन कॉलिजन एवयडेंस सिस्टम पच्चीस हजार करोड़ मोर देन पच्चीस हजार करोड़ नेक्स्ट पांच सालों में कंप्लीट हो जाएगा फाइव मेगा हार्ट स्पेक्ट्रम सात सौ मेगा हार्ट फ्रीक्वेंसी में से पांच उनको दे दिया गया है एंड दिस इज फॉर द इंडियन रेलवे ओके नेक्स्ट चलते हैं अरे पापर इतनी लंबी न्यूज इसरो यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एमओएस पीएमओ पर्सनल

डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी एंड विल कंट्रीब्यूट ऑफरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट इमेजिंग एंड अदर स्पेस टेक्नोलॉजी अपलीकेशन फॉर बेटर अंप्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन ऑल एट स्टेट्स ऑफ दी नॉर्थ ईस्टर रीजन कहने का मतलब ये है कुछ नहीं कहने का मतलब ये है कि लंबा चौड़ा लिख दिया बट बात इतनी सी थी इतनी सी बात है मुझे तुमसे तो प्यार है मुझे से प्यार है। so, इसरो क्या करेगा? North East में टेक्नोलॉजी को यहां पर इंप्रूव करने के लिए मदद करेगा बस इतनी सी बात है ठीक है सो so, यहाँ पर आपका ये बात हुई और इसरो ऑलरेडी इस चीज के ऊपर काम कर रहा है उसने आठ स्टेट्स में आठ स्टेट्स में जो कि फंडिंग दी गई है इस मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर एंड यहाँ पर 67 ऐसे प्रोजेक्ट्स 221 साइट्स पर ऑलरेडी चल रहे हैं और ये अपने आप में पहले तरीके का जो काम है जो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इन आठ स्टेट्स में इन आठ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चल रहा है ये चल रहा है अपने आप में पहले तरीके का जो बाकी स्टेट्स में नहीं है अभी तक ये केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही स्टार्ट हुआ है ओके सो ये चीज आपकी आई यहां पर द नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसके लिए एक डिजाइन किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी डिजाइन किया गया है इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एट शिलोंग कहां पर है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है शिलोंग में है शिलोंग में है याद रखिएगा ओके और यह बाकी स्टेट्स के नाम एंड सेंटर जो सेटअप किया गया था जहां पर एक विजन था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट के लिए स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एजुकेशन को बढ़ावा देना कम्युनिकेशन को वहां पर बढ़ावा देना सैटेलाइट्स जहां पर जाएंगी कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एटमॉस्फेरिक साइंस रिसर्च के लिए ये सब चीजें के लिए यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की गई है इसरो काम करेगा नॉर्थ ईस्टर्न में ऑलरेडी काम कर रहा है अब करता रहेगा गुरुदेव बड़े रोमांटिक हो रहे आओ कभी हवेली पे बताते हैं फिर रोमांस क्या होता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग लोकेशन स्पेसिफिक डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चर एडवाइजरीज ओके सो यहां पर आपका डिजिटल इंडिया कॉपरेशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने साइन किया है एमओ ओके सो यहां पर आपका आ, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दोनों ने एमओ यू साइन किया दोनों ने क्या किया है एमओयू यहां पर साइन किया है मिलकर साइन किया है यहां पर आपका दोनों ने ठीक है तो यहां पर अब क्या किया है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग लोकेशन स्पेसिफिक डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चर एडवाइजरीज ये चीज यहां पर प्रोवाइड की गई द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एंड डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है इन्होंने साइन किया एमओयू और इस इस जगह पर इस क्या गए? इस इवेंट पर मौजूद थे डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जो कि डायरेक्टर जनरल हैं आई के एंड इसका जो बेसिक काम है वो है यहाँ पर किसानों को मदद करना किसानों को किस तरह से मदद की जाएगी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इज टू इंटीग्रेट द एग्जिस्टिंग इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन सिस्टम ये है आपका आई का फुल नेम इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव सेशन होता है ना कि आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूं आप मुझसे मुखातिब हो रहे हैं ओ भाई मेरे शुक्र है ये क्या हुआ था ये कैसे बंद हो गया कौन सा बटन दब गया ओके चलो सो so, यहाँ पर जो आप मुझसे मुखातिब हो रहे हैं या मैं हो रहा हूँ आपसे ठीक है भाई साहब कभी कभी ऐसे वर्ड जब यूज़ कर लेते ना तो ये बेचारा स्क्रीन भी हैरान हो जाती है यार ऐसे वर्ड कैसे बोल रहे हो आप हैं मुखातिब हैं तो इसलिए बेचारा वो भी हैरान हो गया वो भी शर्मा के बंद होने लल्कि कगार पर आ गया सो so, पर इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव करना मेरे से इंटरेक्शन कर रहे हो आप मैं आपसे इंफॉर्मेशन कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मतलब स्प्रेड कर रहा फिलाना किसी चीज को ठीक है जैसे कहते फैला दिया रायता फैला दिया है ना आई डिससेमिनेट रायता ऑन द फ्लोर ओके सो ये आपके एक नया वर्ड आपने आज सीखा रायता फैलाने की इंग्लिश क्या है आई डिसेमिनेट रायता ऑन द फ्लोर ओके मैंने रायते को जमीन पर फैला दिया गिरा दिया ठीक है। आई डिसमिनेट मेरी बातों को सीरियस मत ले जाना एग्जाम में कहीं गलत कर रहा हूं रायता पिलाना नहीं होता डिसमिनेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म और डीआईसी डीआईसी आपका डीआईसी तो क्या है अच्छा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन चल पड़ मेरे भाई क्यों दुखी कर रहा है जाने मन चल पढ़ी वा दिया ये, ये खुलास आ गए हम कहा है मेरे साजना इन बहारों में दिल की कली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई हसी ये खुला सुना गए। कहा है मेरे साजना क्या किया जाए चलो शट डाउन करके आता हूँ दो मिनट होल्ड रखो इतनी देर गाने सुनो मेरे क्योंकि तुम तो ही हो अब तुम तो ही हो जिंदगी अब तुम ही हो, 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 हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आश की अब तुम ही आशा है मिले दिल की उम्मीद हिले दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी तूफानों को चिर के मंजिलों को छीन ले आशा है मिले दिल की उम्मीद है देहा दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी बेखयाली में भी तेरा एक खयाला है यूँ बिछड़ना है जरूरी ये सवाल है कहने को जश्न बहारा है ये देख के है, है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंग पिजा के चिलमन में सारे सहने नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं और दिल में खोई कोई सी बातें हैं कहने का जश्न बहा है चलो यही न्यूज़ थी हमारी रायता फैल ही गया वाकई में है ना सच में न्यूज़ रायता फैला पूरा का पूरा पहली बार हुआ है ये मेरे साथ ऐसा आई आई डी एस गिवस एन ऑप्शन टू फार्मर्स टू रिसीव द इंडिविजुअल नीड्स बेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर ओनली दो सर्विस है डाटा बेस फार्मर्स का क्रिएट किया जाएगा और उनको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है उससे रिलेटेड उनको नॉलेज दी जाएगी पहले तो फार्मर्स की कंडीशन को समझाएगा उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाएगा और फिर उनको उनकी प्रॉब्लम का बेहतरीन तरीका एक बताया जाएगा नो योर फार्मर के वाई एफ आपने के वाई सी तो सुना होगा नाउ दस दी के वाई एफ ओके okay, के वाई एफ दैट इज नो योर फार्मर एक्सपीडिशियसली एक्सपीडिशियसली प्रोवाइड सोल्यूशन टू इन दिनलाइज मैनर ओके ओके सो ये है आपका फिलहाल ये आई आई प्लेटफॉर्म जो है जो डिप्लॉय किया गया या जो फिर जो काम कर रहा है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन तीनों के साथ ही काम कर रहा है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है नेक्स्ट न्यूज आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कंस्टिट्यूएंट लेबोरेटरी ऑफ द सी एस आई आर एंड ली फार्मा ये एक इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि हैदराबाद में बेस्ड है ये यहां पर एंटर किया है एक एग्रीमेंट और यह एग्रीमेंट है डी ऑक्सीडी क्लूगोज का ओके okay, सो so यहां पर यह आपका आपको याद होगा टू डी नाम का एक सैशे के थ्रू एक पाउडर यहां पर बनाया था डीआरडीओ ने डॉक्टर रेडी लैब के साथ मिलकर ठीक है सो so यहां पर डीआरडीओ डॉक्टर रेडी लैब ने बनाया था और उसको यहां पर अप्रूवल दिया गया था ताकि पेशेंट्स को यहां पर वो चीज खिलाई जा सके उनके अंदर जो है वो एक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये चीज की गई थी अभी हाल ही में तो उसी से रिलेटेड यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने यहां पर ली फार्मा इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया और इसके तहत वो यहां पर किस चीज के में आपका बनाएंगे वो इसी को डीऑक्सी डी ग्लूकोज टू डी जो अभी डी और डॉक्टर रेड्डी ने बनाया था अब ये बनाएंगे दोनों मिलकर और वही चीज अब आपकी की गई है दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट किया गया है ओके okay. नेक्स्ट न्यूज है इंडियन साइंटिस्ट अ प्रोमिसिंग टेक्निक फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डेवलपमेंट और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओके सो यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएगा uh, शायद वर्ड मिसिंग हो गया सो सो दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर जो साइक्लोन्स आते हैं आपके उन साइक्लोन्स को पहले ही टाइम से पहले डिटेक्ट कर लिया जाएगा इस तरह की एक चीज इंडियन साइंटिस्ट ने खोज ली है सो टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट जिसमें जिया एलबर्ट विष्णु पूरिया साहू एंड प्रसाद के भास्करन ये तीनों आईआईटी खड़कपुर से हैं यहां पर इन तीनों ने यहां पर साथ में मदद मिली उनको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अंडर द क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के तहत उन्होंने एक ऐसा मेथड बनाया जिसको यूज किया एडी डिटेक्शन टेक्निक एडी डिटेक्शन टेक्निक ये है इसको यूज करके उन्होंने इस चीज को बनाया और जो भी यहां पर साइक्लोन आएंगे आपके नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन में उनको यहां पर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाएगा और ये चीज की गई चार साइक्लोन्स जो थे उनके बारे में सर्वे करके फैलीन दो हजार तीन में आया था वर्दा 2013 में आया था 2013 सॉरी 2013 में गाजा 2018 में मादी जो 2013 में था इन चार साइक्लोन्स को यहां पर एक पोस्ट मॉनसून सीवियर साइक्लोन जो मॉनसून के बाद आए थे इनको एनालाइज किया और दो प्री मॉनसून मॉनसून से पहले आए थे मोरा एंड एला इन दोनों को यहां पर एनालाइज करके यहां पर इन सभी को छह के छे साइक्लोन को एनालाइज करके इन्होंने एडी डिटेक्शन टेक्निक को यूज करके इनकी पहले ही प्रोडिक्शन देने का इन्होंने कहा कि हम पहले ही प्रडिक्शन देंगे जो बंगाल की खाड़ी या फिर कह लीजिए नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन में ये आपके साइक्लोन आएंगे तो सैटेलाइट की इमेज से पहले ही इस टेक्निक को यूज करके वो साइक्लोन्स का अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे राइट right, ओके okay. नेक्स्ट चलते हैं किरण रिजिजू ने रिलीज की है ईबुक ऑन 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर कोविड-19 केयर ओके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष श्री किरण रिजिजू ने रिलीज किया है ईबुक ऑन 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर कोविड-19 केयर ओके सो यहां पर आपका एक ईबुक जिसमें आपका 20 मेड प्लांट्स के बारे में जो जड़ी बूटियां हैं उनके बारे में यहां पर बताया हुआ है उसके बारे में यह एक एक चीज बताई गई कि कोविड 19 के लिए आप किस तरह से यूज कर सकते हो उसकी क्योर के लिए और यहां पर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने प्रिपेयर की एक ई बुक ट्वेंटी मेडिसिनल प्लांट्स फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर कोविड नाइनटीन केयर के लिए यहां पर टू हाईलाइट इंपोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज दीज थेडिसिन प्लांट्स आर यूजफुल इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड नाइनटीन अलॉन्ग स्टैंडर्ड ऑफ केयर ओके सो ये ट्वेंटी मेडिसिनल प्लांट्स ये आपके यहां पर किया गया एक ई बुक यहां पर ट्वेंटी मेडिसल प्लांट की कोविड नाइनटीन के लिए की गई है नेक्स्ट चलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर अपना एक डिसीजन लिया है और उन्होंने डिसीजन लिया है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी जो कि यहाँ पर पिछले साल कोविड के वक्त यहाँ पर स्टार्ट की गई थी इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया दीपावली तक दिवाली तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है यानी कि तकरीबन नवंबर में इस साल दिवाली है तो तब तक ये रहेगी ये स्कीम आपकी और इसमें जितना भी आपका फूड उनको मिलता था जैटजी फ्री फूड ग्रेन उनको पाँच किलो पर पर्सन पर मंथ दिया जाता था कोविड के वक्त आपका बेनिफिशरीज को ये आपका दिया जाता था गेहूं वगैरह उनको चावल अनाज दिया जाता था तो उसी स्कीम को यहाँ पर कंटिन्यू किया गया कौन से मंथ तक नवंबर 2021 तक ये मंथ आपसे पूछा जा सकता है कौन से मंथ तक बाकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बहुत बार पढ़ रहे हो बहुत बार आपको पी में मैं देता रहता हूँ डिटेल तो वो चीज आपके सामने है ही ठीक है ओके आगे चलते हैं हम <laughs> <laughs> इंडिया और स्वीडन के डिफेंस मिनिस्ट्रीज के बीच में एक टाइप हुआ ओके okay, और यहां पर एक वेबिनार आयोजित किया गया जिसमें इंडिया की तरफ से रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर शामिल थे <laughs> एक सेकंड रुकना यार, आवाज़ बंद होगी। ओके okay, थोड़ा कचरा था कार्बोरेटर में आ गया सही हो गया सो so, यहां पर वेबिनार इंडिया स्वीडन डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन विद द थीम कैपिटलाइजिंग ऑपरचुनिटीज एंड सिक्योरिटी ये ऑर्गेनाइज किया गया थीम क्या थी थीम थी कैपिटलाइजिंग ऑपरचुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ये इसकी थीम थी यहां पर वेबिनार आयोजित किया गया इंडिया स्वीडन डिफेंस इंडस्ट्री के बीच में ये थीम के साथ थीम याद रख लेना और इसमें यहां पर इंडिया की तरफ से और वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री स्विट्ज़रलैंड की तरफ से यहां पर मौजूद थे दोनों के दोनों पक्ष यहां पर मौजूद थे और साथ में था सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर एंड स्वेडिश सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंडस्ट्री ये दोनों के दोनों ने यहां पर टाइप किया है और इसके तहत यहां पर स्वेडिश जो स्वीडन की जो कंपनीज हैं उनको इनवाइट किया गया है कि वो इंडिया के जो डिफेंस कॉरिडोर है जहां पर जहां पर डिफेंस हथियार हथियार बनते हैं आपके एंड वो जो कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है वहां पर इन्वेस्ट करें इसमें इन्वेस्ट करें इंडिया की मदद करें यहां पर एंड राजनाथ सिंह जी ने इसके अलावा यहां पर एक और रिलीज किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ दी एसआईडीएम मेंबर्स डायरेक्टरी 2021 अ 360 डिग्री ओवरव्यू ऑफ इंडियन डिफेंस एंड सेक्टर। ओके सो यहाँ पर पहला एडिशन एस आई डी एम में ट्वेंटी ट्वेंटी ओवरव्यू इंडियन डिफेंस एंड द एरोस सेक्टर ये भी यहाँ पर रिलीज किया है इन्होंने इस डायरेक्टरी में यहां पर बेसिकली उन 437 कंपनीज का जिक्र है जो कि डिफेंस या फिर सेक्टर सारी सारी लिस्ट दी थी जिसमें एक आइटम्स का जिक्र था जो कि इंडिया में ही बनाई जाएंगी डिफेंस आइटम्स उनके बारे में भी डायरेक्टरी में जिक्र है ये पहला एडिशन एस आई डी एम में ट्वेंटी ट्वेंटी एसआईडीएम के फुल फॉर्म सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स रखी गई है राइट right, ओके okay. आगे चलते हैं अब भाई मेरे जान लोगे बच्चे कितनी बड़ी न्यूज़ है सो so, 40700 करोड़ एलोकेटेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 40700 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आता है आपका ये जल शक्ति अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू यहां पर आपका दो लाख विलेजेस को यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यहां पर उनकी अरेंजमेंट की गई है और इसमें चालीस हजार सात सौ करोड़ रुपीज दिए गए हैं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ये फंड दिया गया है इंपॉर्टेंट है फंड पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में एंड यहां पर आपका नेशनल स्कीम सैक्शनिंग कमेटी जो की एस बी एम जी यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दी जो की सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के इन्होंने इसको अप्रूव किया इसके साथ ही साथ सेंट्रल का जो हिस्सा है इसमें यहां पर चौदह हजार करोड़ रहेगा स्टेट्स जो हैं वो इसमें करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और बाकी जो फंड है वो वहां पर फाइनेंस बारह हजार सात सौ तीस करोड़ का है और बाकी जो है इकतालीस सौ करोड़ रुपए थ्रू कन्वर्जेंस विद एमजी नरेगा जो स्कीम है उसके तहत यहां पर किया जाएगा आई थिंक इसका टोटल चार हजार सात सौ बन बन गया क्या नहीं बना नहीं बना ना चौदह आठ बाईस और बारह चौंतीस और चार अड़तीस अड़तीस हज़ार एक सौ अड़तीस हज़ार आठ सौ तीस और उनतालीस हज़ार एक सौ तीस ये तो उनतालीस हज़ार एक सौ तीस बना है ना बाकी कुछ गड़बड़ है अच्छा पंद्रह सौ करोड़ ये रहा है ना एक सौ तीस प्लस पंद्रह सो हाँ हो गया ना चालीस हजार सात सौ ठीक है सो so ये फर्दर ओवर करोड़ विल बी इन्वेस्टेड बाय द स्टेट्स थ्रू अदर सोर्सेज दैट इज बिजनेस मॉडल सी एस आर अदर स्कीम इनके थ्रू यहां पर किए जाएंगे बट स्टिल यहां पर कम बना ना है ना चालीस हजार सात सौ तो नहीं हुआ ना कम रह गया ना सत्तर ओके okay. सो so ये है फर्दर ओवर पंद्रह सो करोड़ विल बी इन्वेंटेड इन्वेस्टेड द बायट फर्दर उसमें इन्वेस्ट करेंगे एंड इंप्लीमेंटेशन इसमें क्या चीज की जाएगी इसमें बेसिकली जो ग्रामीण हजार सात सौ में क्या चीजें की जाएंगी इसमें यहां पर पचास लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए जाएंगे एक लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जाएंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स लगाए जाएंगे चौबीस सौ ब्लॉक इंडिया में गोवर्धन प्रोजेक्ट तीन सौ छियासी डिस्ट्रिक्ट में फैकल स्लज मैनेजमेंट यहां पर ढाई सौ डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीजें यहां पर बेसिकली सीवरेज या फिर आप कह लीजिए सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एस रुपीस यहां पर दिया गया है ओके ये दिया गया है यहां पर आपका सबको आ, और इनका टोटल लगाऊं तो वो सत्तर करोड़ रुपए कम पड़ रहा है सत्तर करोड़ कहां गया हे प्रभु बख्श दे इतनी लंबी न्यूज फिर से इंडिया फर्स्ट वी एस सी बेस्ड एच वी डी सी सिस्टम सो यहां पर आपका एच वी डी सी सिस्टम ठीक है सो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक महारत्ना है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने यहां पर कमीशन किया मोनोपोल वन और प्लस माइनस थ्री ट्वेंटी केवी टू थाउजेंड मेगावॉट पुगल्लर तमिलनाडु में है थ्रीसुर केरला में है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बेस्ड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम इस न्यूज़ के लिए दो मिनट का मौन व्रत रखा जाए यार ये जब इंजीनियर वाली न्यूज़ आती ना मेरे को ना पल्ले नहीं पड़ती पता नहीं क्या प्लस माइनस थ्री टूटा प्लस भी है माइनस भी है मैं क्या करूँ प्लस माइनस का अब मोनोपोल वन क्या चीज़ है या हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट क्या होता है इतना होता तो हम टन हम ना साइंस लेके आईआईटी करके बैठे होते हैं आज इतना पता होता हमें तो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर तो इतना समझ लो यार इंडिया का पहला वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर आया है जो कि बेस्ड है एचवीडीसी पे एचवीडीसी क्या है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम ठीक है ये इंडिया का पहला आया है यहां पर आपका एंड uh, ये प्रोजेक्ट आपका कहां पर किया जाएगा तमिलनाडु के पुगल्लुर में एंड थ्रिस केरला में ये जगहों पर आपका किया जाएगा किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया गया है पावर ग्रिड के द्वारा किया गया है यहां पर इंप्लीमेंट इसको और यहाँ करंट सिस्टम यह अब पता नहीं इसमें क्या खास बात है हमें समझ नहीं आई एंड इसमें यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सर्दर्न रीजन को यहाँ पर आपका टारगेट करके किया गया है राइट right, पुगल्लोर थ्रि एचवीडीसी सिस्टम अच्छा एक ही है ये मुझे लगा अलग अलग है ये एक ही है पुगल्लुर थ्रीसुर ठीक है मतलब वहां से वहां लाइन जाती होगी ना कोस्टिंग कॉस्टिंग ₹5070 करोड़ इज अ पार्ट ऑफ द रायगढ़ पुगलूर 3060000 मेगावाट का जो एक पार्ट है उसी का एक हिस्सा है पुगलूर 30 आपका और यहां पर 2000 मेगावाट केरला को दिया जाएगा पावर थ्रू दिस वीएससी एचवीडीसी स्टेशन जो कि थ्रिसूर में बनाया जाएगा ठीक है नीचे वाला खुद पढ़ लेना इंपॉर्टेंट खास मुझे लग नहीं रहा बट स्टिल एक नॉलेज पॉइंट ऑफ से पढ़ लेना

काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत एमओयू साइन किया है यहाँ पर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ लद्दाख के साथ यहां पर एमओयू साइन किया है किसने साइन किया एंड लद्दाख ने एमओयू साइन किया टू मेक द यूनियन टेरिटरी कार्बन कार्बन न्यूट्रल न्यूट्रल बनाने के लिए दोनों के बीच में यहां पर एक एमओ साइन किया गया है सीएसएल एंड द लद्दाख के बीच में एंड यहां पर जंसकार जो वैली है जंस्कार वैली जो है वहां पर इसको यहां पर स्टार्ट किया जाएगा जहां पर सीएसएल जो है वो सोलर मिनी एंड माइक्रो ग्रिड सॉल्यूशन यहां पर बनाएगी जंसकार वैली जगह याद कर लेना यहां पर और ये हेडलाइन तो इंपॉर्टेंट है ही सी एस एल टारगेट सी एस एल के बारे में नीचे आपका लिखा हुआ है ठीक है ओके चलो वाह दिल गार्डन गार्डन हो गया मणिपाल हॉस्पिटल द सेकंड लार्जेस्ट क्योंकि छोटी न्यूज है ना लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन इन इंडिया एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मल्टीपल्स क्वायर हंड्रेड परसेंट स्टेक इन बेंगलुरु बेस्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विक्रम हॉस्पिटल विक्रम हॉस्पिटल में यहां पर स्टेक खरीदा हंड्रेड परसेंट किसने मणिपाल हॉस्पिटल ने मनीपाल हॉस्पिटल हंड्रेड परसेंट स्टेक इन दिक्रम हॉस्पिटल के कंपनी उसके साथ मिलकर आगे चलते हैं ओमनी वोर एग्रीटेक वेंचर कैपिटल फर्म है अपॉइंट किया यहाँ पर आपका हर्ष कुमार भनवाला जी को फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ दी नबार्ड के एज एड सीनियर एडवाइजर ओके सीनियर एडवाइजर के फॉर्म में यहाँ पर हर्ष कुमार भनवाला जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है उनका चेयरपर्सन ओमनी वोर ने ओमनी वो एग्रीटेक वेंचर कैपिटल फॉर्म है ठीक है अब यहाँ पर देखो एक डिफरेंस बता दो ये आई थिंक प्राइवेट कंपनी है ऐसा कोई एग्रीटेक ओमनी वोर नाम की ठीक है यहां पर इनको अपॉइंट किया गया इनकी पिक्चर का एक क्वालिटी देखो है ना इनके चेहरे की खुशी देखो और मतलब बढ़िया फूल फूल पड़ा है टेबल पर इनकी पिक्चर ऐसी क्लिक की गई है अलग ही एंगल अलग ही है पिक्चर का मतलब फोटोग्राफर अलग ही है है ना और वहीं पर ही जो स्टार्टिंग में हमारे जो साहब आए थे एक चौधरी साहब चौधरी जी थे ना क्या था जो इलेक्शन कमीशन बने थे उनकी फ़ोटो देखो है ना पता लगे है ना गवर्नमेंट के फोटोग्राफर और प्राइवेट के फोटोग्राफर के बीच में है ना पता लगी गया होगा है ना इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल सो इंडोनेशिया और सॉरी इंडिया एंड थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉरपोरेट बिटवीन द इंडियन नएवंद एंड दी रॉयल थाई नेवीज दोनों के बीच में कंडक्ट की गई 9 से 11 जून के बीच में आज 10 जून है हमारी अभी चल रहा है वहाँ पर माहौल बढ़िया अब सेट है, है वहाँ पर ओके थाईलैंड में इंडिया में इंडिया के साथ थाईलैंड के साथ है ना सभी का पता ही है आपको बाकी तो क्या कहना है लड़कों को पता ही है सो इंडियन नेवल शिप आगे बढ़ते हैं सरयू सरयू नाम की शिप है यहाँ पर इंडियन नेवल शिप सरयू एंड इंडीजीनियसली बिल्ट नेवल ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल एंड हिज मेजेस्टी थाईलैंड शिप ये नाम है वहाँ की शिप का कराबी कराबी मतलब वहां पर शिप को कराबी वहां पर आइलैंड भी है ठीक है सो सरयू एंड द कराबी जैसे यहां पर इंडियन नेवल शिप कहते हैं वहां पर हिज मजस्टी थाईलैंड शिप बोलते हैं उसको तो वहां का कराबी शिप है दोनों मिलकर यहां पर कर रहे हैं काम दोनों मिलकर यहां पर वर्क कर रहे हैं साथ में यहां पर एयरक्राफ्ट भी है दैट इज़ डोरनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट दोनों कंट्रीज मिलकर इसको uh, कर रही हैं 2005 से 2005 से यहां पर आप कर रही हैं यहां पर आपका एंड इकट्ठा मिलकर काम इंडिया थाईलैंड है ना रिलेशन काफी मजबूत है इंडिया थाईलैंड के बीच में सन 2005 से चल रहा है टू कंट्रीज हैव बीन अंडरटेकिंग कॉर्पोरेट बायनली अलोंग विद इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन ठीक है सो so, ये अगेन इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल नेक्स्ट आईएनएस संध्यायक आईएनएस संध्यायक संध्यायक ही है सर इंडियन नेवलशिप संध्यायक एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में यहां पर डी कमीशन किया गया दिस इज द ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल ओके हाइड्रोग्राफी सर्वे मींस जो आपका पानी में सर्वे वगैरह होता है हाइड्रोग्राफी ठीक है सो so यहां पर आपका आ, एक न्यूज रह गया हमपाल के पीछे कौन सा रह गया अच्छा ये तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने बहुत बड़ी न्यूज है यार मूड नहीं है पढ़ लेना कोई नहीं कल इंक्लूड करा दूंगा अब जो बीत गया सो बीत गया ठीक है जो बीत गया सो बीत गया अब करना है कुछ काम आगे बढ़ो यारों लेके प्रभु का नाम सो द शिप सर्व द इंडियन नेवी फॉर फोर्टी ईयर्स कंडक्टेड दो सो एस सर्वे उन्होंने कंडक्ट किया ऑपरेशन पवन में श्रीलंकन सिविल वॉर में ऑपरेशन रेनबो में ह्यूमेनिटेरियन असिस्टेंट सुनामी अफेक्टेड एरिया में ये आपका यहां पर इसने काम किया था ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफी सर्वे वेसल आइनस संध्यक ठीक है ओके हाँ। इंडियन सेट ऑफ फॉर पेरिस फॉर वर्ल्ड कप स्टेज थ्री कितनी न्यूज हो रहा है अरे यार लास्ट वाली न्यूज इतनी बड़ी कब से होने लगी उसी बीते में से आ गया तो करा दूंगा कल करा दूंगा यार नाइन मेंबर वीमेन रिकर्व टीम कम हम पीछे जाने में विश्वास नहीं करते हम आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं ठीक है थीक्या? चलो नाइन मेंबर वीमेन रिकर्व टीम रिकर्व मतलब वो होती है ना वो धनुष वाली है ना जो अपना हथियार अपने राम जी वाला हथियार है ना राम जी वाला हथियार है बाहुबली वाला जो होता है ना जिसमें तीन तीन तीर एक साथ चला देता है छे छह तीर चलाता है वाला। धनुष धारी हमारे इंडियन आर्कर्स एंड दीपिका कुमारी कोमलिका बरी अंकिता भगत एंड दी मधु बधवाए अलोंग द्रोणाचार्य अवॉर्डी द्रोणाचार्य एवॉर्डी बॉडी किसको दिया जाता है जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है ठीक है तो यानी कि कोच है पूर्णिमा ऑफ तो है पैरिस जा चुके हैं फाइनल उनका टूर्नामेंट है पेरिस टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट फॉर टोक्यो ओलंपिक गेम्स टोक्यो ओलंपिक गेम्स से पहले वो फाइनल एक मैच खेलेंगे जो कि क्वालिफाइंग मैच होगा इस टूर्नामेंट को जीते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में वो चले जाएंगे जो कि सत्रह से उन्नीस जून के बीच हो रहा है और वर्ल्ड कप स्टेज थ्री जो कि 20 से 28 जून के बीच में होगी इसके अलावा एनटीपीसी ने डिसाइड किया है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यह चीज आपकी याद रखिएगा ये वाली जो न्यूज आई है एनटीपीसी लिमिटेड ने यहाँ पर पार्टनरशिप किया आर्क्री एसोसिएशन ऑफ ये अंदर की न्यूज आ गई ना मतलब ये तो ऊपर-ऊपर से पड़ रही बट ये थोड़ी सी अंदर की न्यूज है डीप की न्यूज है जो कि नॉर्मली निकल जाती है हमारे हाथ से एन ने पार्टनरशिप की आर्करी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ ताकि वो आर्करी को यहाँ पर बढ़ावा दे सके इंडिया में और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उसको यहां पर लेकर आ सके मैं टीम कंप्राइजिंग एस आकर्ष तानु दास तरुणदीप राय एंड प्रवीण रमेश यादव ये आपके हैं उन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि नीदरलैंड में हुई थी उसमें यहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल लेकर आए और वीमेंस एंड मैं इंडिविजुअल रिकवर इवेंट में दीपिका कुमारी एंड तानु दास इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उनकी अलग अलग कैटेगरी में ठीक है तो ये आपकी हुई आज की न्यूज का खात्मा उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आपने क्या बताना है मैंने पूछा था आपसे आरबी ग्रेड बी के कोर्स के बारे में कैसी लगी क्लास इस सेशन को अभी जब एंड करूंगा तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा और कल की क्लास में ज़रूर आना मत भूलेगा आज रात को कोई क्लास नहीं है बट रात को अभी जस्ट एक घंटे बाद तकरीबन आप मान के चलो नौ सवा नौ बजे एक लाइव सेशन होगा स्टडी नी थी यूट्यूब चैनल पे ठीक है तो उस लाइव सेशन में जुड़ना मत बोलना मैम ले रही हैं लाइव सेशन कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपसे करनी है ठीक है तो उस रात को नौ बजे एक आपके लिए सरप्राइज़ है ज़रूर आइएगा ओके जो हमारे मोकटस यूज़र्स हैं या जो बाकी बच्चे हैं जो भी हमारे जुड़े हुए हैं स्टडी थी यूट्यूब चैनल से उन सबके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है तो रात को नौ सवा नौ बजे जुड़ना मत भूलिएगा मैम आपसे लाइव मुखातिब होंगी ओके मैं भी रहूँगा खैर मैं साइड में रहूँगा है ना मैम रहेंगी आपके साथ लिंक मैं आपकी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा पंद्रह बीस मिनट का सेशन होगा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा उसमें पंद्रह बीस मिनट में बात हो जाएगी जो कहनी है आपको आ, इतनी सी बात है है ना मुझे तुमसे प्यार है मुझे तुमसे प्यार है ठीक है टेक केयर लव यू ऑल बाय मिलते हैं फिर आ, मैं तो कल सुबह मुलाकात करूँगा साढ़े छः बजे आर के कोर्स में प्लस कोर्स में और बाकी रात को भी घंटे भर में फिर से एक बार छोटी सी मुलाकात पंद्रह बीस मिनट की